Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Plant Science Tools. I'm Dr. Rashid Mehmoodran, and today we will discuss about pollination body. What is pollination? Pollination pollen grains ka anther se nikal ke stigma tak pahunchne ka jo process hai wo pollination. Pollination begins when pollen grains from the respective flower lands on stigma. जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंचते हैं ये कंप्लीट प्रोसेस पोलन ग्रेन्स के पहुंचने का इसे हम पोलिनेशन कहते हैं और पोलिनेशन के प्रोसेस में उसके बाद पोलन ट्यूब जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है जिसमें पोलन स्टिग्मा तक पहुंचने के बाद उसमें पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है वो पोलन ट्यूब स्टाइल से होती हुई ओवरी तक पहुँचती है सो स्टाइल इज एक्चुअली अ टनल जो के ओवरी और स्टिग्मा कनेक्ट कर रही है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन्स स्टार्ट ट्रांसमिटिंग स्पर्म सेल्स फ्रॉम द ग्रेन टू द ओवरी यानी कि जो मेल गैमीट्स मौजूद हैं पोलन ग्रेन्स के अंदर वो ट्रांसमिट होते हैं और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है सो व्हाई पोलिनेशन इज सो इम्पॉर्टेंट उसे डिस्कस कर रहे हैं सो एज ऑल वी नो फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इन एन ओव्यूल ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीड डेवलपमेंट के लिए एंड अल्टीमेटली फ्रूट डेवलपमेंट सो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस उस वक्त तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक पोलन ग्रेन्स एंथर्स से निकल के स्टिग्मा तक नहीं पहुंचते, बिकॉज पोलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा तक पहुंचेंगे, तो पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी एंड द प्रोसेस विल कंप्लीट एंड फर्टिलाइजेशन विल हैपन सो फर्टिलाइजेशन इज इम्पॉसिबल विदाउट पोलिनेशन एंड अल्टीमेटली फ्रूट सेटिंग और सीड सेटिंग विल बी नॉट प्रॉपरली अकरिंग इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन सो इसलिए फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि पोलिनेशन वहाँ पर मौजूद हो सो टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ पोलिनेशन देर आर टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन ऑटोगैमी और सेल्फ पोलिनेशन और दूसरी टाइप है एलोगैमी और क्रॉस पोलिनेशन व्हाट इज ऑटोगैमी और सेल्फ पोलिनेशन अगर पोलन ग्रेन्स एंथर्स से निकल के स्टिग्मा तक पहुँचते हैं of the same flower or flower of the same plant so us process ko hum ya is type of pollination ko hum self pollination kehte hain ise selfing ya inbreeding bhi kaha jata hai yani ki agar ek hi flower ke pollen grains usi flower ke stigma tak pahunchte hain to use hum self pollination ya autogamy kehte hain वीट राइस बारले और इस तरह की कुछ और क्रॉप्स उनमें जो पोलिनेशन का प्रोसेस होता है वो सेल्फ पोलिनेशन होती है कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं जो सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट करते हैं ब्रीफली हम उसे डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ परफेक्ट फ्लावर परफेक्ट बाइसेक्सुअल और हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट वो होना ज़रूरी है यानी अगर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाइक मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स एक फ्लावर में मौजूद हैं तो इट प्रोमोट्स सेल्फ पोलिनेशन लाइकवाइज क्लिस्टोगैमी इज एन इम्पॉर्टेंट टाइप इज एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म दैट हेल्प्स इन सेल्फ पोलिनेशन इसमें क्लिस्टोगैमी ये कंडीशन होती है जिसमें फ्लावर पोलिनेशन से पहले ये फ्लावर नॉर्मली ओपन ही नहीं होता सो क्लिस्टोगैमी प्रोमोट सेल्फ पोलिनेशन बिकॉज जब फ्लावर ओपन नहीं होगा फॉरेन पोलन्स जो स्टिग्मा तक नहीं पहुंच सकेंगे ड्यू टू क्लोजर ऑफ फ्लावर तो सेल्फ पोलिनेशन प्रोमोट होती क्लिस्टोगैमी नॉर्मली वीट ओट्स बारले और सम राइस और कुछ और ग्रैमिनी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनमें कॉमन अनदर
मैकेनिज्म इज कैज़मोगैमी। कैज़मोगैमी में फ्लावर ओपन तो होता है लेकिन पोलिनेशन के बाद ओपन होता है। कुछ वीट की वैरायटीज, राइस और बारले और ओट्स की कुछ वैरायटीज में ये मैकेनिज्म मौजूद होता है। फ्लावर ओपन होता है लेकिन चूंकि पोलिनेशन पहले हो चुकी होती है तो ये प्रमोट करता है सेल्फ पोलिनेशन को। हाउएवर थोड़ी सी क्रॉसिंग या क्रॉस पोलिनेशन उसमें हो सकती है। अनदर मैकेनिज्म इज होमोगैमी, सिंक्रोनाइजेशन। ये प्रोसेस या मैकेनिज्म है जिसमें मेल और फीमेल पार्ट्स सेम टाइम पे मैच्योर होते हैं। इट इंश्योर्स सेल्फ पोलिनेशन बिकॉज सिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव एट द सेम टाइम व्हेन पोलन ग्रेन्स आर द हाईएस्ट। सो जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर होते हैं उसी टाइम पे सिग्मा भी रिसेप्टिव होता है, तो ये मैकेनिज्म इंश्योर करता है कि सेल्फ पोलिनेशन का प्रोसेस सक्सेसफुली हो। दूसरा इम्पॉर्टेंट, एक और इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है पोजीशन ऑफ एंथर। कुछ क्रॉप्स में जैसे कि टोमेटो है या ब्रिंजल है, उसमें स्टेमल्स स्टिग्मा जो है वो स्टेमल्स या एंथर से बहुत क्लोजली पैक्ड होता है। उसकी सराउंडिंग में यानी कि घिरा होता है स्टिग्मा एंथर से, जिसकी वजह से दूसरे फॉरेन पोलन ग्रेन्स को मौका नहीं मिलता और सबसे पहले पोलिनेशन जो होती है वो अपने ही फ्लावर से या यानी अपने ही एंथर से उसकी पोलिनेशन होती है, जिसकी वजह से सेल्फ पोलिनेशन प्रमोट होती है। सो सेल्फ पोलिनेशन जब होती है तो डेफिनेटली ये एक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, इसके कुछ जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। हम इस पे ज़रा से नज़र डालते हैं कि इसके क्या क्या जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहले तो होमोजाइगोसिटी इज़ द मेन फैक्टर जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स में मौजूद होता है, और जैसे जैसे नेक्स्ट जनरेशन की तरफ आप बढ़ते हैं तो होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है और क्विकली इंक्रीज होती है। इसी तरह से सेल्फ पोलिनेटेड स्पीशीज़ नॉर्मली जो है वो हाईली होमोजाइगस होती हैं, बिकॉज आफ्टर 5 or 7 जनरेशंस हाई होमोजाइगोसिटी अचीव हो जाती है, बड़ी क्विकली अचीव हो जाती है क्योंकि इसमें आउटक्रॉसिंग नहीं हो रही। इस वजह से, इस मैकेनिज्म की वजह से इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी नहीं आता, और लेकिन उसके बावजूद इसमें कंसिडरेबल हेट्रोसिस मौजूद है। अगर हम दो डिफरेंट क्रॉस करते हैं दो डिफरेंट प्लांट्स को, तो वी कैन अचीव हेट्रोसिस एज वेल, जिसको हम लेटर ऑन मेंटेन कर सकते हैं थ्रू सक्सेसिव सेल्फ। सो अगर आप सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स की ब्रीडिंग करना चाहते हैं तो उसमें मेन जो एम है ब्रीडिंग का, दैट इज़ टू अचीव होमोजाइगस वैराइटीज। नॉर्मली होमोजाइगस वैराइटीज टारगेट होती है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है। डेफिनेटली हर मैकेनिज्म के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। वी टॉक अबाउट सम एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स। सो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिसेसिव करेक्टरिस्टिक्स या लिथल करेक्टरिस्टिक्स जब सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स को हम डील करते हैं तो उसमें वो एलिमिनेट हो जाते हैं। सिमिलरली वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स इज़ वेरी लेस बिकॉज सेल्फ पोलिनेशन होती है और उसमें बहुत ज़्यादा पोलन ग्रेन्स रिक्वायर्ड नहीं होते, बिकॉज ऑटोमेटिकली उसमें खुद ब खुद प्रोसेस चल रहा होता है, और डेफिनेटली कोई एक्सटर्नल फैक्टर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती इसमें, यानी कि हमें पोलिनेटर रिक्वायर्ड नहीं होते, तो ये भी एक इसका पॉजिटिव पॉइंट है, एडवांटेज है। सिमिलरली प्योरिटी ऑफ रेस उसमें मेंटेन रहती है, बिकॉज फॉरेन जीन्स उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो वो अल्टीमेटली अपने आप को मेंटेन रहे। सिमिलरली स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ पोलन ग्रेन्स आर सफिशेंट फॉर गुड सेल्फ पोलिनेशन। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, बिकॉज अगर एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस हों, लाइक हीट स्ट्रेस होती है या कोई और, जो पोलन ग्रेन्स की एबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में
अवेलेबल पोलन ग्रेन्स कम होते हैं, तो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स में ये एबिलिटी मौजूद है कि थोड़ी सी पोलन ग्रेन्स की वो सफिशेंट होगी, अदरवाइज अगर क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स हैं तो उसमें ज़्यादा अमाउंट में पोलन ग्रेन्स मौजूद होना ज़रूरी है और वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन प्रोड्यूस होती है जब एडवर्स कंडीशन। लेकिन जहाँ पे इसके एडवांटेजेस हैं सेल्फ पोलिनेशन के, वहाँ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। द मेजर डिसएडवांटेज इज देयर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ जीन्स। सो जब मिक्सिंग ऑफ जीन्स नहीं है हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स से, तो इम्यूनिटी स्टेप बाय स्टेप जब ऑफ स्प्रिंग्स में हम जाते हैं तो वो रिड्यूस होती जाती है। इसी तरह से विगर प्लांट्स की भी रिड्यूस होती है टाइम बाय टाइम, जैसे आप नेक्स्ट जनरेशन में मूव करते हैं तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में विगर इसकी मुतासर हो सकती है थोड़ी बहुत। लाइकवाइज इसकी इम्यूनिटी अगेंस्ट सम डिजीज और सम बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स उसकी रिड्यूस होती है। ओके जी, नेक्स्ट हम चलते हैं एलोगेमी और क्रॉस पोलिनेशन की तरफ। पोलिनेशन की दूसरी टाइप क्रॉस पोलिनेशन या एलोगेमी है। एलोगेमी में पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर से, एक फ्लावर के एंथर से किसी दूसरे फ्लावर, किसी दूसरे प्लांट पर मौजूद फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, इस प्रोसेस को हम क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन रिजल्ट के रिजल्ट में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि एक प्लांट के जो मेल गैमीट्स हैं वो दूसरे प्लांट के फीमेल गैमीट्स को फर्टिलाइज करते हैं, उसे हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। बहुत सारे प्लांट्स नॉर्मली या नेचुरली क्रॉस पोलिनेटेड होते हैं और इन प्लांट्स में जो क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट्स हैं थोड़ी बहुत सेल्फिंग की गुंजाइश मौजूद होती है जिसमें सेल्फ पोलिनेशन हो सकती है। क्रॉस पोलिनेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं बेस्ड ऑन द सोर्स दैट लीड्स टू क्रॉस पोलिनेशन। सो इट कुड बी एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, वाटर, अदर एजेंट वर्क्स एज पोलिनेटर। सो उसकी हम मेजर फाइव कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं। पोलिनेशन बाय विंड, इसको एनिमोफिली कहा जाता है। पोलिनेशन बाय एनिमल्स, जूफिली। पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, इंटोमोफिली। पोलिनेशन बाय वाटर, हाइड्रोफिली। एंड आर्टिफिशियल पोलिनेशन, जैसे कि ह्यूमन इंटरवेंशन अगर करते हैं किसी और केमिकल वे से इसको पोलिनेट किया जाता है, इसको एंथ्रोपोफिली का। सो पोलिनेटर्स चूंकि रिक्वायर्ड होते हैं क्रॉस पोलिनेशन के लिए, तो पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बायोलॉजिकल, स्पेशली बायोलॉजिकल पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर्स में कुछ करेक्टरिस्टिक्स का होना ज़रूरी है। वो मेजर करेक्टरिस्टिक्स एडवर्टाइज करना, यानी कि अपने आप को शो करना, लाइक फ्लावर्स में कलर मौजूद होता है या उसके अंदर नेक्टर्स मौजूद होता है जो सेंट प्रोड्यूस करता है, तो वो कलर और सेंट इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से रिवार्ड, ऑफरिंग रिवार्ड, जैसे पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, उसमें बहुत प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, वो एज ए फूड सोर्स पोलिनेटर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और अल्टीमेटली पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। सिमिलरली एक्सेस के ईजी एक्सेस फ्लावर की होनी चाहिए, उसकी ऐसी पोजीशन हो कि वहाँ पे पोलिनेटर इजीली उसको एक्सेस कर सके, उस तक पहुँच सके। मैकेनिज्म दोज कैन प्रमोट क्रॉस पोलिनेशन। सो मेजर मैकेनिज्म्स जो क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करते हैं और सेल्फ पोलिनेशन को इनहिबिट करते हैं, उसमें पहला या बुनियादी वन ऑफ द मेजर फिनोमेना डिक्लाइनी और यूनिसेक्सुअलिटी। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मौजूद हैं तो उसमें सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस ख़त्म, बिकॉज
स्टेमिनेट और पिस्टलेट फ्लावर्स अलग अलग मौजूद होते हैं, मेल और फीमेल ऑर्गेन्स अलग मौजूद होते हैं, तो एक फ्लावर में मौजूद नहीं होते, तो अल्टीमेटली क्रॉस पोलिनेशन उसको लेके जाता है। इसकी दो मेजर कैटेगरीज हैं, मोनोएसी और डायोएसी। सो मोनोएसी इज अ कंडीशन व्हेन स्टेमिनेट एंड पिस्टलेट फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। इट कुड बी आइदर इन द सेम इनफ्लोरिसेंस, जिस तरह से मैंगो, कैस्टर, बनाना या कोकोनट में मौजूद होते हैं, या इन सेपरेट इनफ्लोरिसेंस, जैसे कि मेज में। मेज में हम देखते हैं कि इनफ्लोरिसेंस सेपरेट होती है, इसके टेसल या मेल पार्ट टॉप पे मौजूद है, मेल पार्ट है वो साइड पे मौजूद होता है। तो अगर एक ही इनफ्लोरिसेंस में मौजूद है वो एक पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी सेपरेट इन्फ्लोरेसेंस उसकी मौजूद। ये मोनोएसी की दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। वाइल डायोएसी इज अ टाइप जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स डिफरेंट प्लांट्स में मौजूद होते हैं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम मेल प्लांट्स कहते हैं, तो मेल फ्लावर्स मौजूद होते हैं, और कुछ फीमेल फ्लावर्स फीमेल प्लांट्स होते हैं जिनमें फीमेल फ्लावर्स। डेट पाम, पपाया, हेम्प, स्पाइनेज, इनमें जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो मेल और फीमेल प्लांट्स अलग अलग। दूसरा जो मैकेनिज्म है जो सपोर्ट करता है क्रॉस पोलिनेशन को, दैट इज डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में स्टेमन्स एंड पिस्टल्स जो हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स में मौजूद होते हैं वो डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होते हैं। डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होने की वजह से उनमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाती और अल्टीमेटली सेल्फ पोलिनेशन इनहिबिट होती है। तो जब स्टिग्मा अवेलेबल होता है, रिसेप्टिव होता है, तो पोलन ग्रेन्स मौजूद नहीं होते, और पोलन ग्रेन्स जब मौजूद होते हैं तो स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होता। तो ये मैकेनिज्म प्रोमोट करता है क्रॉस पोलिनेशन को। सो इसकी डाइकोगैमी की दो डिफरेंट टाइप्स हैं, प्रोटोगाइनी एंड प्रोटोएंड्री। प्रोटोगाइनी में पिस्टल यानी फीमेल पोर्शन वो मैच्योर होता है स्टेमन से पहले और अल्टीमेटली वो प्रोमोट करता है क्रॉस पोलिनेशन को। प्रोटेंड्री में स्टेमन्स पहले मैच्योर हो जाते हैं और पिस्टल्स जो है वो लेट मैच्योर होते हैं, तो उसकी वजह से जो क्रॉस पोलिनेशन प्रोमोट। इसके अलावा कुछ फिजिकल कंडीशंस ऐसी हैं जो कि प्रोमोट करती हैं क्रॉस पोलिनेशन को, जिस तरह से अल्फा अल्फा या लूसन की जो स्टिग्मा है उस पर वैक्सी फिल्म मौजूद होती है, और वो हनी बी के विजिट से ब्रेक होती है जिसके बाद उसमें पोलिनेशन पॉसिबल होती है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर पोलिनेशन ऑफ लूसन फ्लावर बिकॉज देयर इज अ वैक्सी फिल्म। सो ये कुछ फिजिकल फैक्टर्स या बैरियर्स हैं जिनको क्रॉस करना ज़रूरी है, तो वो इनहिबिट करते हैं सेल्फ पोलिनेशन को। इसके अलावा तो एक या एक से ज़्यादा फैक्टर्स कुछ ऐसे हो सकते हैं जो क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करते हैं, इस तरह से मेज में मोनोएसी भी मौजूद है और प्रोटेंड्री भी मौजूद है। मोनोएसियस भी है और उसमें प्रोटेंड्री भी है, यानी कि उसके स्टेमन्स जो हैं वो पिस्टल से पहले मैच्योर होते हैं, तो वो सिंक्रोनाइजेशन पॉसिबल नहीं है उनमें, जिसकी वजह से सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकता। देन सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज अनदर मैकेनिज्म दैट इनहिबिट्स सेल्फ पोलिनेशन एंड प्रोमोट्स क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या है कि जब पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर के सेम फ्लावर की स्टिग्मा को पोलिनेट करने में या उसके स्पर्म्स के ओव्यूल को फर्टिलाइज करने में नाकाम रहते हैं, उसे हम सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी दो तरह की होती है, एक स्पोरोफाइटिक है और दूसरी गेमिटोफाइटिक है। स्पोरोफाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी में स्टिग्मा वो पोलन ग्रेन्स की जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, जबकि गेमिटोफाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी में
इनकम्पेटिबिलिटी में गैमीट्स यानी कि पोलन ग्रेन्स वो पोलन जर्मिनेट होने के बाद या वो जर्मिनेट नहीं कर सकता या जर्मिनेट होने के बाद वो मैच्योर होके फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस तक नहीं पहुंच सकता, तो उसे हम गैमेटोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। इन दोनों केसेस में सेल्फिंग से सीड स्टैब्लिश नहीं होता और उसमें ज़रूरी होता है कि क्रॉस पोलिनेशन की जाए। सो ये कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं जो प्रमोट करते हैं क्रॉस पोलिनेशन को। उसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़ा जो ब्रीडिंग में यूटिलाइज होने वाला फिनोमेना है जो क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करता है, मेल स्टेरिलिटी है। मेल स्टेरिलिटी एक्चुअली ये एब्सेंस ऑफ फंक्शनल पोलन ग्रेन्स, इस कंडीशन को हम मेल स्टेरिलिटी कहते हैं, जो अदरवाइज हर्मेफ्रोडाइटिक फ्लावर्स यानी जिसमें दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स मौजूद हैं लेकिन उसमें मेल पार्ट फंक्शनल नहीं होता और पोलन ग्रेन्स फंक्शनल पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस नहीं करता, तो ऐसी कंडीशन को हम मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। नॉर्मली ये एग्जिस्ट नहीं करती, वेरी रेयर एग्जिस्ट करती है मेल स्टेरिलिटी, लेकिन इसको हम डिवेलप कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेचुरली बहुत रेयर होती है, इट एग्जिस्ट बट इन रेयर क्वांटिटी। सो लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसको हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा किया जा सकता है कि आपके पास मेल स्टेराइल लाइंस मौजूद हैं जिन्हें आप फीमेल के तौर पे यूज़ करते हैं और मेल प्लांट्स अपनी मर्जी से आप डिवेलप कर सकते हैं। सो क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करने के लिए इसको यूटिलाइज किया जाता है। सो मेल स्टेरिलिटी दो तरह की है, जेनेटिक या साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी अगर उसमें रिस्टोरर जीन्स डिस्कवर हो चुके हैं उनको यूटिलाइज कर रहे हैं तो उस सूरत में साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी उसे कहा जाता है। क्रॉस पोलिनेशन चूंकि एक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है तो उसके जेनेटिक्स पे बहुत इफेक्ट्स हो सकते हैं। क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं तो ज़रा देखते हैं। नॉर्मली क्रॉस पोलिनेशन ये हेट्रोजाइगोसिटी को प्रमोट करती है और पॉपुलेशन जो डिवेल्प होती है इसके नतीजे में वो हाईली हेट्रोजाइगस होती है और इसकी वजह से अगर इसकी कंटिन्यूस सेल्फिंग करें तो उसमें सीवियर इनब्रीडिंग डिप्रेशन के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर आप इसको आउटक्रॉस करते हैं तो उसमें हेट्रोसिस, कंसिडरेबल हेट्रोसिस नोट की जा सकती है। सो ऐसी क्रॉप्स को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे मेथड्स यूज़ किए जाएं जिसमें हेट्रोजाइगोसिटी रिड्यूस ना हो, यानी हेट्रोजाइगोसिटी मेंटेन रहे। तो उसके लिए हम नॉर्मली हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं या सिंथेटिक वैराइटीज को फोकस किया जाता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी ऑफ द क्रॉप। जिस क्रॉप में इकोनॉमिकली फिजिबल हो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की तरफ मूव करते हैं, अदरवाइज सिंथेटिक वैराइटीज की तरफ किया जाता है। इनके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्रॉस पोलिनेशन के एडवांटेजेस में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सीड प्रोड्यूस होता है गुड विगर और क्वालिटी उसकी होती है, यानी कि जो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स हैं उसमें गुड विगर और वाइटैलिटी का सीड प्रोड्यूस होता है, बिकॉज हेट्रोसिस मौजूद है, डिफरेंट सोर्सेज से उसमें जीन्स कंबाइन होते हैं, सो वो मेंटेन रहता है। इसी तरह से रिसेसिव करेक्टरिस्टिक्स उसमें से एलिमिनेट हो जाते हैं बिकॉज जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो रहा है, रिकम्बिनेशन के रिजल्ट में ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं रिसेसिव या लीथल करेक्टरिस्टिक्स। और इसकी इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है बिकॉज हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज से जीन्स कंबाइन हो रहे हैं, तो उसकी डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यूनिटी या different environmental factors के against susceptibility वो reduce होती है, यानी कि immunity improve हो रही है, susceptibility reduce हो रही है, या selection करते हैं उसके मुताबिक उसको deal करते हैं। क्रॉस पोलिनेशन में हम नए जीन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, अल्टीमेटली हमारे पास जेनेटिक बैकग्राउंड उस क्रॉप का ब्रॉडन होता है, उसको जेनेटिक बैकग्राउंड इम्प्रूव होता है,
तो ये इसके एडवांटेजेस हैं, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जिसमें पोलन ग्रेन्स का वेस्ट एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, और ये उस वक्त ज़्यादा फील होता है जब स्ट्रेस में प्लांट्स होते हैं, स्पेशली जिस तरह से हीट स्ट्रेस है या ड्राउट स्ट्रेस है, तो उसमें पोलन ग्रेन्स की मिकदार जो अवेलेबल होती है कम होती है, और अल्टीमेटली हमारे पास चूंकि पोलन ग्रेन्स कम है तो सीड सेटिंग का प्रॉब्लम उसमें आ सकता है क्रॉस ब्रीडिंग, जैसा कि बहुत अच्छे से कॉटन या क्रॉप्स में देखा जाए जहाँ पे हीट स्ट्रेस मौजूद है सीड सेटिंग उसकी भी फ्रूट सेटिंग में प्रॉब्लम मौजूद। सिमिलरली गुड क्वालिटीज़ बाज़ोकात क्रॉप की जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो भी इसमें इलिमिनेट, बहुत सक्सेसिव रिकम्बिनेशन उसमें हो रही हैं और बाज़ोकात अनवांटेड करेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसमें ऐड रहते हैं जो हमें डिज़ायर्ड नहीं होते, तो उसके लिए एक्सटेंसिव वर्क ज़रूरी है उसको मेंटेन करना ताकि हमारे डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक्स ही सिर्फ उस क्रॉप में। इसके अलावा हमारे पास जो मेजर कैटेगरीज ने बात की पोलिनेशन की उसमें सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन है, लेकिन कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनमें क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन दोनों, नॉर्मली वो सेल्फ पोलिनेटेड होती हैं लेकिन उसमें कुछ हद तक क्रॉस पोलिनेशन भी मौजूद होती है, 5-30% तक क्रॉस पोलिनेशन उसमें मौजूद होती है। ऐसी क्रॉप को हम ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स कहते हैं, यानी कि वो ना क्रॉस पोलिनेटेड है ना सेल्फ पोलिनेटेड, उसमें सर जो पोलिनेशन का मैकेनिज्म है वो सेल्फ पोलिनेशन होता है, लेकिन 5-30% तक उसमें क्रॉस पोलिनेशन हो सकती है, तो उन्हें हम ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स कहते हैं। उनका जेनेटिक आर्किटेक्चर तकरीबन सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप के दरमियान रहता है, उसके लिए जो इम्प्रूवमेंट के लिए मेथड यूज करते हैं वो भी जो हर क्रॉप के हिसाब से वेरी करता है, जो भी सूट करे उसके मुताबिक उसको डील किया जाता है, लेकिन नॉर्मली जो है हाइब्रिड वराइटीज उनके लिए प्रेफर की जाती है। सो दैट इज ऑल अबाउट पोलिनेशन, स्टे ट्यून्ड, वी विल डिस्कस फर्दर टॉपिक्स इन कमिंग वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल प्लांट साइंस टूल्स, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।